नगर पालिका परिषद और निगम की 27 अगस्त से चली आ रही हड़ताल पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बन गई है। इस बारे में शुक्रवार को चंडीगढ़ में जानकारी देते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि इस हड़ताल के संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभागों के प्रधान सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश कुल्लर के बीच हुई बातचीत के बाद हड़ताल पर फैसला हो गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा ठेका प्रथा खत्म करने, ठेका कर्मचारियों को 15,000 रुपये वेतन देने व 1,346 फायरमैन व ड्राइवर को निकाले नहीं जाने और पेरोल पर रखने जैसी अनेक मांगों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कर्मचारियों से तुरंत काम पर लौटकर प्रदेश की सफाई व्यवस्था सुचारू करने की अपील की है। नगर पालिका परिषद और निगमों की जो 27 अगस्त से लगातार हड़ताल चल रही थी, आज शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार खुल्लर साहब जी के बातचीत होने के बाद हड़ताल पर फैसला हो गया है। और फैसले में जो विधानसभा चुनाव 2014 में हरियाणा सरकार ने ठेका प्रथा ख़त्म करने का वायदा किया था, 15,000 रुपये वेतन देने का वायदा किया था, उस पर सहमति बनी है। साथ में फायर का जो ठेका है उसको भी ख़त्म करके फायर के कर्मचारी हैं जो 1,346 ड्राइवर और फायरमैन, उनको रोल पे रखेंगे और उनके लिए ये गारंटी भी करेंगे कि उनको निकाला नहीं जाएगा। दूसरा, जो कर्मचारी पीछे हमारी 2018 में 9 मई से 24 मई तक हड़ताल के दौरान कर्मचारी अलग अलग पालिका परिषद और निगमों से ठेकेदारों द्वारा निकाले गए थे, उनको ड्यूटी पर वापस लेने पर भी सहमति बनी है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी 20 जुलाई को सफाई कर्मचारियों को रिस्क बीमा देने की, उसमें सभी प्रकार के कच्चे पक्के सफाई कर्मचारी कवर होंगे। एसग्रेशिया पॉलिसी का लाभ शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को दिया जाएगा। कैशलेस मेडिकल सुविधा का भी लाभ शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हड़ताल पीरियड है उसको लीव काइंड यू ट्रीट किया जाएगा। और अन्य मांगों पर भी हमारी सहमति बनी है। तो मैं सभी पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारियों से ये अपील करूँगा कि वो तुरंत प्रभाव से अपने कामों पर लौट जाएं। और हमारी 4 दिन की हड़ताल की वजह से जो प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए मैं अपील करूंगा कि साथी तुरंत प्रभाव से दिन और रात जुट करके जनता को पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था प्रदेश के शहरों की दुरुस्त करें ताकि जनता को राहत मिले। मैं तमाम पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारियों से ये अपील करूंगा कि हमारी वजह से प्रदेश की जनता को भारी असुविधा हुई है, इसलिए वो तुरंत प्रभाव से आज ही अपने काम पर लौट जाएं ताकि जनता को राहत मिले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।